आज थोड़ा ज्यादा होने वाला है। सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों ओप्पो इंडिया में लेके आ चुका है अपना एक नया ब्रांड न्यू स्मार्टफोन। जो दोस्तों यहाँ पे ये है मेरे पास पे ओप्पो रेनो 4 प्रो। तो आज आप इस वीडियो को अगर देखते रहिए और मैं आपसे बात करता हूँ इसी रेनो 4 प्रो के बारे में। करते हैं इसको अनबॉक्स, देखते हैं कैसा है ये फोन, क्या है इसकी प्राइस और इनफैक्ट ये दोस्तों फोन है मिलने वाला है आप में से किसी एक लकी व्यूअर को। तो जल्दी से वीडियो को अभी लाइक और शेयर कर ही दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये है यहाँ पे हमारे पास में ओप्पो रेनो 4 प्रो का बॉक्स, काफी इंटरेस्टिंग स्टाइलिंग में, जहां पे इसमें है 8GB की रैम और 128GB की स्टोरेज। और इनफैक्ट बॉक्स पे भी रेनो की हमको एक झलक मिल जाती है। साइड में है ओप्पो और ICC की ब्रांडिंग और इसका कलर है स्टारी नाइट, मतलब काफी इंटरेस्टिंग सा नाम है। जहां पे दोस्तों ये फोन बना है इंडिया में। मैं यहां पे करता हूं जल्दी से इसकी सील ब्रेक और आप दोस्तों कर दो जल्दी से अभी का भी वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब इसी फोन को जीतने के लिए। तो स्लीव को साइड करते ही जैसे ही हम करते हैं बॉक्स को ओपन, सबसे पहले है यहां पे ये एक सेक्शन जहां पे है हमारे पास में सिम ट्री टूल, फिर दोस्तों है यहां पे कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातें, और फाइनली है ये एक केस फोन की प्रोटेक्शन के लिए। फिर यहां पे दोस्तों हमारे पास में है सामने ये फोन इसी इंटरेस्टिंग से कलर में, जहां पे सामने इसी की कुछ मेन हाइलाइट्स मेंशन है। यहां पे है ओप्पो का सुपर वूक चार्जर 65 वॉट्स आउटपुट के साथ में, जो कि इस फोन को सिर्फ 36 मिनट्स में फुल चार्ज कर देगा। साथ में है ये येलो एक्सेंट्स के साथ में आने वाली एक USB A to C केबल, और फिर है ये इयरफोन्स जहां पे है ये बड़ा ही शानदार सा कनेक्टर। यहां तो सुनो बात करते हैं इसी फोन के प्रोडक्शन को रिमूव करते हुए, तो खैर लुक्स तो यार डेफिनेटली बहुत अच्छे लग रहे हैं इसी मैट फिनिश के साथ में। फिलहाल कर दोस्तों इसे बूट करते हैं और बात करते हैं कुछ और डिटेल्स की। तो यहां पे राइट साइड में है ग्रीन एक्सेंट के साथ में ये पावर लॉक अनलॉक बटन, और इनफैक्ट ये फोन काफी स्लीक भी है, मतलब जहां पे थिकनेस है सिर्फ 7.7 मिलीमीटर की। और इनफैक्ट दोस्तों यहां पे ऊपर की तरफ लगा है सेकेंडरी माइक्रोफोन और एक ट्रिपल स्लॉट सिम हमको मिल जाती है ऊपर की तरफ, खैर बहुत रेयरली ही मैंने इसको देखा है। यहां पे लेफ्ट में है वॉल्यूम ओपन डाउन बटन्स, और नीचे है दोस्तों यहां पे ये शानदार सा हेडफोन जैक, प्राइमरी माइक्रोफोन, USB-C पोर्ट और स्पीकर ग्रिल। बात दोस्तों अगर हम करें पीछे की, तो यहां पे ये कलर काफी अच्छा सा लग रहा है स्पेशली इसी मैट फिनिश के साथ में। इनफैक्ट यहां पे ये क्वाड कैम सेटअप जो है वो भी काफी यूनिकली पोजीशनड है, जहां पे है 48 मेगापिक्सल का सोनी IMX586 सेंसर और F1.7 अपर्चर के साथ में प्राइमरी कैमरा। फिर है 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, साथ में है 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा और 2 मेगापिक्सल का एक मोनो कैमरा, जहां पे हर एक कैमरा एलिवेटेड है और एक काफी यूनिक डिजाइन अप्रोच है इसी रेनो 4 प्रो में। यहां दोस्तों साथ में एलईडी फ्लैश और लिखा है इनोवेटिव क्वाड कैम, जहां पे नीचे की तरफ है कॉर्नर में ब्रांडिंग। यहां दोस्तों इसी रेनो 4 प्रो में सामने है एक 6.5 इंचेस का E3 सुपर एमोलेड फुल HD प्लस कर्व्ड डिस्प्ले, जो कि आता है 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और 180 हर्ट्ज टच सैंपलिंग रेट के साथ में, जहां पे स्क्रीन के नीचे है फिंगरप्रिंट स्कैनर और ऊपर दोस्तों है यहां पे कॉर्नर में एक कटआउट जहां पे लगा है 32 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा। वैसे जो स्क्रीन क्वालिटी है वो डेफिनेटली काफी अच्छी लग रही है। यहां पे दोस्तों अच्छी बात ये है कि इस फोन में कोई भी ब्लॉक्ड एप्स हमें प्री इंस्टॉल देखने को नहीं मिलती हैं, और ओप्पो जो है वो दोस्तों क्लीनर मास्टर ऐप को भी एक OTA अपडेट से रिमूव कर देगा, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। खैर यहां पे दोस्तों हमें मिलता है ColorOS वर्जन 7.2 और ये बेस्ड है Android 10 पे, जहां लगा है Qualcomm Snapdragon 720G ऑक्टाकोर प्रोसेसर, जहां पे है 3D मल्टी कूलिंग सिस्टम और साथ में दोस्तों लगी है 8GB रैम और 128GB की स्टोरेज। इसी ओप्पो रेनो 4 प्रो में है एक 4000mAh की बैटरी, जहां पे दोस्तों अगेन जो सुपरबुक चार्जर है वो इसे सिर्फ 36 मिनट्स में फुल चार्ज कर देगा। बात खैर दोस्तों अगर हम करते हैं कैमरा की, तो हमेशा की तरह हमारे पास में यहां पे इस ऐप में बहुत सारे ढेर सारे अलग अलग टाइप के ऑप्शन है अलग अलग स्टाइलिंग के हिसाब से, जहां पे AI कलर पोर्ट्रेट और AI कलर पोर्ट्रेट वीडियो का भी ऑप्शन हमको मिल जाता है। इनफैक्ट दोस्तों यहां पे खैर मैं फिलहाल आपसे अभी ये कुछ कैमरा सैंपल्स शेयर कर रहा हूं जो मैंने इसी फोन से क्लिक किए हैं, इसी के फ्रंट और रियर कैमरा को यूज करते हुए। जहां पे अगर दोस्तों देखें अगर फोटोज को फर्स्ट लुक में, तो डेफिनेटली जो इमेज क्वालिटी है वो काफी अच्छी लग रही है इन्हीं यूनिक ऑप्शंस के साथ में। खैर आप भी दोस्तों फोटोज देखते हुए अपने मन की बात नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइए। वैसे अच्छी फोटोज से अच्छे लाइक्स आ जाते हैं, और आप भी मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मेरी फोटोज को लाइक थोड़ा सा कर ही दो। यहां पर दोस्तों अगर हम बात करें सिक्योरिटी की, तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर एकदम फास्ट है और साथ में जो फेस
फेस अनलॉक है वो भी एकदम आराम से फ़ोन को अनलॉक कर देता है बिना किसी प्रॉब्लम के। तो खैर दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास में है एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले, तो यहाँ पे वीडियोस देखने का मज़ा डेफिनेटली बहुत अच्छा हो जाएगा। खैर अब हमेशा की तरह एक बार ऑडियो भी चेक कर ही लेते हैं। ये तो भैया होना ही था। तो यहाँ पर दोस्तों खैर ये है पूरी कहानी, हाईलाइट है इसका डिस्प्ले, कैमरा और 65 वॉट्स की चार्जिंग, जहाँ पर डिजाइन भी खैर काफी इंटरेस्टिंग है। यहाँ दोस्तों अगर हम बात करते हैं कीमत की, तो ओप्पो रेनो 4 प्रो की कीमत है इंडिया में 34,990 रुपीज। वैसे यहाँ पर दोस्तों मेरे ख्याल से प्राइस थोड़ी सी कम होनी चाहिए थी, या फिर यहाँ पे इसमें लगा होना चाहिए था एटलीस्ट एक स्नैपड्रैगन 765G प्रोसेसर। वैसे यहाँ पर दोस्तों ये जो रेनो 4 प्रो स्मार्टफोन है ये मिलने वाला है आप में से किसी एक लकी व्यूअर को, जहाँ पे आप बस जल्दी से अपनी पूरी ताकत से वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और नीचे कमेंट करके लिख डालिए अपनी मन की बातें, और साथ में दोस्तों डिस्क्रिप्शन के लिंक से अपनी एंट्री कंप्लीट कर लीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों बस फिलहाल वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपको धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सारा सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोज लेके आता रहता हूँ। दोस्तों फिलहाल वीडियो में इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।